नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम बात करते हैं ऑल इन वन प्लगइन्स के बारे में। जी हाँ, एक प्लगइन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप काफ़ी काम कर सकते हैं। वोकल को आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, वोकल को गोल घुमा भी सकते हैं, सराउंड भी कर सकते हैं, चारों तरफ वोकल को आप घुमा भी सकते हैं। ठीक है, अगर ये चाहे आप सिर्फ वोकल में लगा दीजिए या फिर रिदम में लगा सकते हैं या फिर पूरे आप सॉन्ग में भी लगा सकते हैं, मास्टरिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे मास्टरिंग नहीं होगा, मास्टरिंग के लिए आपको अलग से एक प्लगइन्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे इस बारे में ये वीडियो बना हुआ है, कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कैसे बनाया हुआ है और कैसे काम किया जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग मास्टरिंग में जाएंगे। अगर मास्टरिंग में लगाना, अगर आप वोकल में लगाना चाहते हैं तो वोकल में भी लगा सकते हैं, या फिर आप मास्टरिंग में लगाना चाहते हैं तो F3 दबा के आप मास्टरिंग में भी लगा सकते हैं। ठीक है, मास्टरिंग में लगाने के लिए एक प्लगइन्स आपको मास्टरिंग का लगाना पड़ेगा। इसका वीडियो बना हुआ है कौन सा प्लगइन्स आपके मास्टरिंग के लिए परफेक्ट है, इसका वीडियो बना हुआ देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्लगइन्स लगाएंगे, मास्टरिंग आपको प्लगइन्स लगाना पड़ेगा, लेकिन आउटपुट में इसको आप लगाइए। अगर पूरे सॉन्ग को बनाना चाहते हैं, अगर पूरे सॉन्ग को सराउंड करना चाहते हैं तो आप मास्टरिंग वाले में यानी आउटपुट में लगाइए, मास्टरिंग वाले जिसमें मास्टरिंग करते हैं उसमें लगाइए। अगर सिर्फ वोकल में लगाना चाहते हैं तो जहां आपने वोकल रिकॉर्ड किया है, जैसे यहां पे वोकल रिकॉर्ड किया है तो यहां पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मास्टरिंग में लगाएंगे। ठीक, मास्टरिंग में हम लोग यहां लगाएंगे, आप जहां मर्जी वहां लगा सकते हैं। ये जो अगर वोकल करना है तो वोकल के लिए, मास्टरिंग करना है तो मास्टरिंग में लगाना है आपको। सब पूरे सॉन्ग पे लगाना है तो मास्टरिंग में, सिर्फ वोकल करना है तो वोकल पे, अगर सिर्फ रिदम करना है तो रिदम पे, या कोई रिदम का कोई एक पार्ट लगाना है तो उसके ऊपर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जाते हैं अल्ट्राफंक FX सराउंड R3। ठीक है, अल्ट्राफंक FX सराउंड R3। ठीक है, इसका यूज करते हैं। देखिए और बता देना चाहते हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन कर सकते हैं आप। ऑनलाइन एंड डेस्क के थ्रू होता है, एक क्लास में एक ही बंदा रहता है, एक जब आपको ऑनलाइन कराया जाता है तो एक ही बंदा रहता है, या फिर आप मेरे पास आके भी सीख सकते हैं। यहाँ भी जब सीखना ही हो तो एक बार में एक ही बंदे को सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि 10 लड़कों को बैठा के सिखाते हैं, ऐसा नहीं, एक बार में एक ही बंदे को पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाता है रिकॉर्डिंग मिक्सिंग मास्टरिंग का। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए, हमने प्लगइन्स लगाए अल्ट्राफंक FX सराउंड R3, इसका यूज कैसे करना है। हम लोग इसको बंद करके पहले वोकल को सुनते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है। हमने प्लगइन्स लगाया, प्लगइन्स लगाने है प्रीसेट आता, प्रीसेट। ठीक है, प्रीसेट में पोजीशन सेंटर स्पीकर, लेफ्ट स्पीकर, राइट स्पीकर, सराउंड स्पीकर। सेंटर स्पीकर कीजिएगा तो बिल्कुल सेंटर में आवाज आएगी आपके पूरे सॉन्ग की, एक सेंटर में। डबल स्पीकर लगाया होगा, आप सामने बैठिएगा, बिल्कुल सेंटर में आवाज आएगी। करके दिखा देते हैं आपको, बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को लेफ्ट राइट करना है तो यहीं से आप लेफ्ट राइट करते, यहाँ से लेफ्ट स्पीकर कीजिएगा तो आपके लेफ्ट स्पीकर में ही वॉल्यूम आएगा, राइट कीजिएगा तो राइट में ही आएगा। करके देखते हैं, राइट करके देखते हैं। ठीक है, मेरे राइट स्पीकर में आवाज आ रहा है। अब यहाँ से प्रीसेट में ही जाते हैं, पोजीशन में जाते हैं, लेफ्ट सराउंड। सराउंड कर देंगे, चारों तरफ आवाज़ पूरा घूम के देगा, घूमेगा नहीं, मतलब चारों तरफ से आवाज़ एक साथ देगा। सराउंड पे कर देते हैं, अब देखिएगा। ठीक है, पूरी तरफ सराउंड करके ये आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये आप किसी भी लैंग्वेज पर यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसी पर यूज करना है। ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज पर किसी भी सॉन्ग पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी डाटा चाहते हैं, रिदम ब्लूस VST प्लगइन्स या ये पूरा पैकेज चाहते हैं, और CGB का भी चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। ऑनली सॉफ्टवेयर भी चाहिए पूरा प्लगइन साथ में तो मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर 150 GB तक चाहिए, 135 GB चाहिए, या फिर 1 TB का डाटा चाहिए, कैसे भी डाटा चाहिए, कैसे भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। ठीक है, इससे आपका सराउंड आ गया। हम लोग दूसरे में आते हैं, CSC साइकिल 4 सेकेंड, इसको क्लिक करते हैं। ये अब ये देखिए क्या अंतर पड़ता है, ऑटोमेटिक ऑटोमेशन में चलता रहेगा आवाज। ये आवाज कभी सेंटर में जा रहा है, फिर सराउंड की तरफ, चारों तरफ घूम रहा है, फिर सेंटर में जा रहा है, फिर चारों तरफ से आवाज आ रहा है, सेंटर में घूम रहा है, फिर चारों तरफ से आवाज आ रहा है। ठीक है, इसके ही हो गया। दूसरे में हम लोग लगाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके चारों तरफ से आवाज घूम के देगा, ध्यान समझिए, चारों तरफ की आवाज घूम के आपको देगा। ये ऑटोमेशन में घूम रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक
ठीक है, ये छोटा सा मैं, इसको आप बड़ा कर सकते हैं, इसको आप यहाँ ले लीजिए, नीचे लेके यहाँ रखिए, जिधर रखिए उधर ही चलता रहेगा आपका। अब सुनिएगा, ये जो है ना, अब इस चीज़ को अगर आप एक्सपोर्ट करके, इस पॉइंट पे अगर आप एक्सपोर्ट करके हेडफोन में सुनिएगा ना आँख बंद करके, तो लगेगा 8D साउंड की तरह चारों तरफ से वॉल्यूम घूम कर आएगा। इस प्लगइन्स में एक खासियत, काफ़ी पॉइंट है इस प्लगइन्स में, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके पास ये प्लगइन्स होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना सीखना चाहते हैं। तो ये उन लोगों को सिखाते हैं जो सीखना चाहते हैं, जो महाज्ञानी हो मेरी वीडियो से दूरी बना के रखें, ठीक है। ये हो गया, अब इसके बाद आ जाता है लेफ्ट राइट, तो ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट अपने आप होता रहेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, एक आ जाता है आपका लेफ्ट राइट लेफ्ट, पहले जो हमने लगाया लेफ्ट राइट, लेफ्ट से आवाज़ राइट में जाएगी, फिर शुरू से फिर लेफ्ट से, राइट से वापस लेफ्ट में नहीं आएगी। अब ये जो दूसरे वाला है लेफ्ट राइट लेफ्ट साइकिल 4 सेकंड, ये अब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट अपने आप घूमती रहेगी। देखिएगा इस ऑटोमेशन पे ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ऊपर ही रहेगा आपका, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है, सुनना है किधर रखना है किधर नहीं रखना है, ठीक है। और तीसरा में आ जाते हैं हम लोग लेफ्ट टू रियर, ये लेफ्ट से लेके पीछे तक, आगे से लेके लेफ्ट से पीछे तक ले, रियर में पीछे में जाएगा, इसको हम करते हैं। पीछे की तरफ जाके आवाज़ ख़त्म हो जा रही है, आगे से आ रही आवाज़ पीछे की तरफ जाके ख़त्म हो जा रही है, ऐसे इसमें रियर टू लेफ्ट है, रियर टू राइट है, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन हम परफेक्ट करेंगे ये LCRS लिखा हुआ है, लेफ्ट सेंटर राइट सराउंड साइकिल 4 सेकंड, इस पर सेलेक्ट करके रखिए आप, इस पर परफेक्ट काम करेगा। इस पर ये परफेक्ट काम करेगा आपका, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।